तो चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताएंगे झारखंड सरकार स्कूल रीओपनिंग को लेकर क्या निर्णय लिया गया है, थर्ड वेव कहां तक आया है, जी हां तीसरा लहर का क्या स्थिति बना हुआ है, और बच्चे को कोरोना के टीका को लेकर क्या बता रहे हैं, और कुछ जो प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनका भी मांग है कि स्कूल खोलने को लेकर कुछ उपाय किया जाए, क्योंकि आप जान सकते हैं कि जितना भी प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका जो रोजी रोटी है उसी के ऊपर निर्भर करता है, यानी उसका जो स्कूल है उसी के ऊपर यह डिपेंड करता है। बहुत सारा ऐसा भी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स है, या फिर जो आपको बता दें जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो चुका है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल है उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है उसको आपको बताते हैं, फिर इसके बाद आपको बताएंगे किन किन राज्यों में स्कूल कॉलेज खोलने के लेकर निर्णय लिया जा रहा है। तो उसमें बताया जा रहा है मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेड दैट इट इज़ नाउ 16 मंथ्स सिंस द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर फर्स्ट क्लोज्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक। ही पॉइंटेड आउट दैट सेवरल स्टेट्स लाइक बिहार एंड राजस्थान हैव डिसाइडेड इन फेवर ऑफ रीओपनिंग स्कूल्स। उनका भी ये मानना है कि जो अदर स्टेट्स है, बिहार है, राजस्थान है, उन सभी स्टेट्स में स्कूल खोलने को लेकर निर्णय लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक आपको बता दें झारखंड सरकार की तरफ से इसको लेकर कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार सभी में आपका थोड़ा थोड़ा करके खोला जा रहा है। उनका भी मानना है कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th के, उनके लिए लगभग कुछ आपका जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए खोला जाना चाहिए, सरकार को इसको लेकर कुछ निर्णय लिया जाना चाहिए, उनका भी ये मानना है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर बताएं। आपको बता दें तीसरा लहर को देखते हुए भी गवर्नमेंट थोड़ा पॉइंटेड में, जी हाँ, अब थोड़ा सिक्योर हो चुका है। जिस तरह से सेकेंड वेव आके तबाही मचा के गया था, उस तरह से गवर्नमेंट भी नहीं चाहते हैं कि तीसरा लहर वैसा तबाही मचाए। और आपको बता दें जो जितने भी बच्चों का जो वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार की तरफ से इसका भी एक मतलब ट्रायल हो रहा है, और उसको देखते हुए बहुत सारा ऐसा भी जो वैक्सीन है जो बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है, उसका ट्रायल अच्छा ही आ रहा है। जी हाँ, उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। हो सकता है कि आपका सितंबर से स्टार्ट भी हो सकता है बच्चे को वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं स्कूल रीओपनिंग को लेकर, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, इस तरह का और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।